नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 14 के बारे में, तो जिसमें अपन बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण खाद्य संबंधी महत्व के जो पादप हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अब हम आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण मसाले, यानी मसालों के अंदर कौन कौन से पादप आते हैं। ठीक है, तो वो मसालों के अंदर जैसे तो आपको पता ही है घरों के अंदर कौन कौन से मसाले होते हैं, जैसे जैसे लौंग हो गया, सौंफ हो गया, जीरा हो गया, मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, पर ये सारे बहुत सारे चीज आती है। तो देखते हैं कौन कौन सी है, जैसे काली मिर्च हो गया, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची आदि और भी बहुत सारे हैं जो अपन मसालों के अंदर यूज करते हैं खाने के अंदर। उसके बाद अपन देखते हैं जो पेय पदार्थ पीने के लिए जो पदार्थ लेते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, तो उसके अंदर कौन सा है। देखो चाय, चाय क्या होता है, कामेलिया साइनेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, कामेलिया साइनेसिस, अच्छी तरह याद कर लेना इसको, कामेलिया साइनेसिस ये है चाय का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद कॉफी का क्या होता है, काफिया अरेबिका, कॉफी का होता है काफिया अरेबिका, ये आपके पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में, जो 2000 पिछला 19 का पेपर होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कॉफी का वैज्ञानिक नाम, तो काफिया अरेबिका। आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, जितना अधिक बार बार लिख लिख कर और रिपीट करेंगे, बार बार याद करेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। तो ये है महत्वपूर्ण मसाले और पेय पदार्थ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद आते देखते हैं खाद्य संबंधी सब्जियां कौन कौन सी जिसके पादप से हमें प्राप्त होती है। अपने को यह भी देखना है कि पादप के कौन से भाग से कौन सी सब्जी प्राप्त होती है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे ये पादप के भाग है जिनसे अपने सब्जियां जो जो खाने के योग्य भाग होता है पादप का। उसके बाद आए साधारण नाम और उसके बाद है वैज्ञानिक नाम। तो साधारण नाम में देखो कौन कौन से है, जैसे जड़ से प्राप्त होने वाले हैं, जड़ से प्राप्त होते हैं गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद, ये सारे के सारे भाग हैं जड़ से, पादप के जड़ से प्राप्त होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, सब्जी में काम में लिए जाते हैं, ये चार भाग हैं। इसका देखो नाम क्या है, गाजर का क्या नाम है, डाकस कैरोटा, गाजर का वैज्ञानिक नाम है डाकस कैरोटा। वही मूली का नाम है रेफेनस स्टाइवस, रेफेनस स्टाइवस। शलजम का नाम है ब्रेसिका रापा, वैज्ञानिक नाम है शलजम का ब्रेसिका रापा। और शकरकंद का है आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास, ये है शकरकंद का वैज्ञानिक नाम। तो ये चार थे जड़ से प्राप्त होने वाले अपने खाने योग्य भाग, जड़ होता है इनका, ठीक है, और इनके वैज्ञानिक नाम ये, आप बार बार इसको लिख कर याद करेंगे। तो पेपर में देखो प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, कुछ ऐसे पादपों के नाम लिखिए जिनके भाग जड़ खाने योग्य भाग है, यानी जड़ से प्राप्त होने वाले, तो देखो इन चारों के नाम लिख सकते हैं, या फिर इनका वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है तो अपन ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखो स्तंभ से, यानी स्तंभ का कह सकते हैं तना, क्या कह सकते हैं तना, तने का कौन सा होता है, देखो आलू पेड़ का तना होता है और अरबी भी क्या होता है पेड़ का तना, तो आलू और अरबी दो ऐसे सब्जियां हैं जो तने से प्राप्त होती है। आलू का नाम क्या होता है, देखो वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। वही अरबी का नाम क्या है, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा इसका वैज्ञानिक नाम है अरबी का। तो ये भी आप देखो स्तंभ यानी तने से प्राप्त होने वाले दो नाम हो गए आलू और अरबी, इनके वैज्ञानिक नाम ये हो गए, इसको भी आप बार बार याद करेंगे रिपीट करेंगे तो याद रह जाएंगे। उसके बाद देखो पर्ण से यानी पत्तों से, पत्तों से कौन कौन से आपको पता है, पालक होता है पत्ता भाग होता है खाने के लिए, और मेथी भी क्या होते हैं उनके पत्ते खाने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो पालक का नाम होता है स्पाइनेशिया ओलेरेसिया, स्पाइनेशिया ओलेरेसिया पालक का यहाँ वैज्ञानिक नाम है। वहीं मेथी का नाम है टाइगोनेला फाइन मेग्रिकम, टाइगोनेला फाइन मेग्रिकम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है इन दोनों का, तो ये आप याद रख सकते हैं इसके वैज्ञानिक नाम। वहीं उसके बाद देखेंगे पुष्प, यानी पुष्प यानी क्या होता है फूल, जिसका फूल होता है खाने योग्य वो कौन कौन से है, तो एक ही नाम अपने को याद रखना है फूल गोभी, नाम ही फूल है फूल गोभी, तो अपन उसका याद रखें। इसका नाम है ब्रेसिका ओले सेरेसिया, ब्रेसिका ओले सेरेसिया, देखो ब्रेसिका एक पहले भी आया था ये शलजम का ब्रेसिका रापा, और यहाँ ब्रेसिका ओले सेरेसिया,
ये याद रखना है, फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद है फल। फल आपको पता है खाने योग्य टमाटर, बैंगन, भिंडी और ग्वारफली, ये सारे क्या है, कुछ फल हैं जिनके सब्जियों के रूप में काम में ली जाते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो टमाटर का नाम होता है लाइकोप्रेसिकॉन एल्यूलेंटम, लाइकोप्रेसिकॉन एल्यूलेंटम, ये होता है टमाटर का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद है बैंगन का, बैंगन का नाम होता है सोलेनम मेलोजिना, सोलेनम मेलोजिना ये नाम होता है बैंगन का। भिंडी का नाम होता है एल्बमास्कस, एल्बमास्कस। उसके बाद है एस्क्यूलेंटस, एल्बमास्कस एस्क्यूलेंटस होता है भिंडी का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद है ग्वारखली, ग्वारखली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइमोसिप्स टेटागोनोलोबा, साइमोसिप्स टेटागोनोलोबा, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है ग्वारखली का। तो ये है सब्जियां जिनके वैज्ञानिक नाम भी आपको लिखे हुए, कौन सा भाग खाने का है तो ये भी आप याद रखना है, ये इसके फल वाले भाग है। तो इसके अंदर देखो महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। तो देखो एक तो गाजर का नाम हो गया महत्वपूर्ण, एक आलू का हो गया, ठीक है, पालक का हो गया, और उसके बाद हो गया टमाटर का, ठीक है। ये चार नाम है ये आपके महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वैसे आप पूरे याद कर सकते हो तो अच्छी तरह याद कर ले, बार बार देखने से ये भी याद हो जाएंगे, लेकिन ये चारों एकदम अच्छी तरह से याद कर ले, ये चारों महत्वपूर्ण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन फल जिनसे प्राप्त होते हैं वो महत्वपूर्ण पादप कौन से हैं जिनसे हमें फल प्राप्त होते हैं। तो उनसे पहले देख लेते हैं फल होते क्या हैं। फल देखो पुष्प के अंदर क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय के निषेचन से जो संरचना बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, फल कहते हैं। तो देखते हैं पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना को फल कहते हैं। तो ये होते हैं फल। अब महत्वपूर्ण कुछ फल देख लेते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आम, आम पता ही होगा फलों का राजा जिसे कहते हैं आम। नाम क्या होता है, मेजीफेरा इंडिका, अच्छी तरह याद कर लेना, महत्वपूर्ण नाम है मेजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मेजीफेरा इंडिका, बार बार रिपीट करते रहे मेजीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद केला, केले का भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या होता है, म्यूजा पैराडिसिए का, म्यूजा पैराडिसिए का इसका वैज्ञानिक नाम होता है केले का। उसके बाद देखते हैं संतरे का, संतरे का क्या होता है, सिटम रेटिकुलेटा, सिटम रेटिकुलेटा होता है संतरे का नाम, सिटम रेटिकुलेटा, सिटम रेटिकुलेटा संतरे का। अमरूद का होता है सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा ये अमरूद का नाम। पपीते का नाम होता है कैरिका पपाया, ये तो याद रह जाएगा, पपाया इंग्लिश में ही बोलते हैं पपीते को, कैरिका पपाया ये पपीते का नाम हो गया। उसके बाद सीताफल, सीताफल इसका नाम क्या होता है, एनोना स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा होता है सीताफल का वैज्ञानिक नाम। तो ये फल थे जिनके वैज्ञानिक नाम ये होते हैं, ठीक है, पादपों के वैज्ञानिक नाम। तो अब अपन देखते हैं औषधीय पादप। इससे पहले हमने देखा था खाद्य संबंधी पादप कौन कौन से थे, अब देखते हैं औषधीय पादप यानी जिन पादपों से दवाइयां बनती है उसके महत्वपूर्ण भाग कौन से है और कौन से भाग से प्राप्त होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम। तो देखते हैं स्तंभ से, स्तंभ मतलब अभी आपको बताया था तना, तने से प्राप्त होने वाला कौन सा है, हल्दी, अदरक, लहसुन और गोगल, ये चारों किससे प्राप्त होते हैं, तने से या स्तंभ से। इनके नाम क्या है, हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लौंगा, तो ये आप अच्छी तरह याद कर ले, महत्वपूर्ण है कुरकुमा लौंगा। उसके बाद है अदरक, अदरक का होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबर ऑफिसिनेल ये अदरक का नाम होता है। लहसुन का नाम होता है एलियम सेटायोम, एलियम सेटायोम। उसके बाद होता है गूगल का, गूगल का नाम होता है गॉमिफोरा वाइटाई, गॉमिफोरा वाइटाई, ये थे स्तंभ से प्राप्त। उसके बाद अपन देखते हैं जो मूल से, मूल यानी क्या होता है, जड़, यानी जड़ से प्राप्त होने वाले कौन सी औषधीय पादप है, तो इसमें आता है स्पर्शगंधा, सफेद मूसली और अश्वगंधा। तो इनके भी वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। तो स्पर्शगंधा का नाम होता है रावनफीलिया स्पर्टाइना, रावनफीलिया स्पर्टाइना। सफेद मूसली का होता है कॉलोरोफाइटम ट्यूबेरोसम, कॉलोरोफाइटम ट्यूबेरोसम। उसके बाद है अश्वगंधा, अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा। उसके बाद देखते हैं जो छाल से यानी पेट की छाल होती है ऊपर वाली, उससे कौन कौन से भाग प्राप्त होते हैं, तो एक होता है सिंकुनेन, ये भी आप याद रखना, कुनेन। इसका नाम क्या होता है, सिंकोना
ऑफिशियनेलिस, ऑफिशियनेलिस ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। सिंकोना ऑफिशियनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अर्जुन का नाम होता है टर्मेलिया अर्जुना, टर्मेलिया अर्जुना अर्जुन का वैज्ञानिक नाम होता है। ये दोनों ही पेड़ की छाल है, ठीक है। उसके बाद है पर्ण यानी पत्ते से, पर्ण यानी क्या होता है पत्ता, पत्ते से कौन कौन से प्राप्त होते हैं उसके अंदर देखें, सबसे पहले ग्वारपाठा, तुलसी और ब्राह्मी। ग्वारपाठा को क्या बोलते हैं एलोवेरा, ये आपको नाम याद होगा, ग्वारपाठे का एलोवेरा होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एलोवेरा। तुलसी का नाम होता है उसके बाद ओसिमम सेंटम, ऑसिमम सेंटम इसका नाम होता है तुलसी। ब्राह्मी का नाम होता है सेंटा एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका नाम होता है ब्राह्मी का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अफीम का जो फल से प्राप्त होते हैं, अफीम का आपका पहले पार्ट में भी है। अफीम का नाम क्या होता है वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम, अच्छी तरह आपको याद करना है क्योंकि ये पहले पार्ट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपेवर सोमनीफेरम। उसके बाद है आंवले का, आंवले का नाम क्या होता है ये भी आप याद कर लें, एमबी का ऑफिशियनेलिस, अंबिका ऑफिशियनेलिस, ऑफिशियनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, अंबिका ऑफिशियनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये थे औषधीय संबंधी पादप। अब आपको पूछ सकते हैं ऐसे औषधीय पादप नाभिकीय जो स्तंभ से प्राप्त होते हैं, तो ये चार नाम होंगे। अगर आपसे पूछे मूल से या जड़ से तो ये नाम होंगे, आपसे पूछे छाल से तो ये नाम होंगे, पर्ण से पत्तों से ये नाम होंगे, और फल से पूछे तो ये दो नाम होंगे। तो ये इसके साधारण नाम होंगे और इसके वैज्ञानिक नाम भी हैं, या आप अच्छी तरह बार बार इसको दोहराएंगे तो आप इसको याद कर सकते हैं। औषधीय पादप के बाद अब देखते हैं निर्माण संबंधी महत्व के पादप, यानी जो निर्माण में घर वगैरह बनाने में, कपड़े वगैरह कुछ निर्माण करने में जो काम में आते हैं पादप, उनके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर है दो प्रकार के, एक रेशे संबंधी पादप और दूसरा है इमारती कास्ट के लिए। जिनसे रेशे उत्पादन वाले कौन से होते हैं, जिनसे रेशे बनते हैं, कौन कौन से रेशे वाले, जूट हो गया, कपास या रुई हो गया, सनई हो गया और नारियल, इनसे क्या बनते हैं रेशे बनते हैं, ठीक है। तो इनके भी वैज्ञानिक नाम देखते हैं, जूट का वैज्ञानिक नाम होता है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिया, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिया ये होता है जूट का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद कपास या रुई का होता है गोसिपियम जातियां, गोसिपियम गोसिपियम जातियां। उसके बाद सनई का नाम होता है क्रोटोलेरिया जुनसिया, क्रोटोलेरिया जुनसिया ये होता है सनई का नाम। नारियल का नाम देखो, नारियल से भी आपको पता है नारियल का ऊपर वाला जो छिलका होता है उनसे रेशे बनते हैं, और उसका नाम होता है कोकोस न्यूसिफेरा, कोकोस न्यूसिफेरा, कोकोस न्यूसिफेरा इसका नाम होता है। अब देखते हैं इमारती कास्ट, इमारती कास्ट कौन सी होती है, जो भवन निर्माण यानी घरों में फर्नीचर वगैरह बनाने में, दरवाजे खिड़कियां बनाने में जो लकड़ी काम में आती है उसको क्या कहते हैं इमारती कास्ट। तो देखो कास्ट किसे कहते हैं, बहुवर्षीय द्विबीजपत्री, बहुवर्षीय यानी जो पेड़ होता है बहुत सालों तक, बहुवर्षीय का मतलब क्या होता है कई सालों तक पेड़ जीवित रहता है, पेड़ की आयु क्या होती है बहुत साल होती है कई साल। द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री होते हैं आप उसका बीज देखेंगे तो दो भाग अलग अलग बीजों के होते हैं, दो भाग आपस में जैसे जुड़े रहते हैं उस तरह से होते हैं, ठीक है। और अनावर्त बीजी, अनावर्त का मतलब बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं रहता है, ठीक है। वृक्षों के बनने वाले द्वितीय जालम, ये क्या रखना है द्वितीय जालम को क्या कहते हैं, उसके अंदर रेशेदार ऐसे बने होते हैं जालम को ही क्या कहते हैं कास्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है कास्ट किसे कहते हैं। अब देखो इमारती कास्ट वह कास्ट जिसे दरवाजे फर्नीचर आदि बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं इमारती कास्ट कहते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन सी लकड़ी काम में आती है, कौन कौन से पादप हैं और उनका वैज्ञानिक नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सागवान, आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण होता है सागवान फर्नीचर दरवाजे वगैरह बनाने में, तो सागवान का नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान का वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद साल का होता है, साल का जो दरवाजे वगैरह बनते हैं उसका नाम होता है सोरिया रॉबस्टा, सोरिया रॉबस्टा। उसके बाद है सीसम, ये देखो सीसम यहाँ पर पाया जाता है तो इसका नाम आप याद कर सकते हैं सीसम का डबजीरिया सिसु, डबजीरिया सिसु। उसके बाद है रोइडा, ये भी अपना राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प है तो इसका पेड़ का भी नाम याद रख ले अच्छी तरह, ये भी महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। इसका नाम होता है टेकोमेला अंडुलेटा, टेकोमेला अंडुलेटा किसका नाम है रोइडे का, टेकोमेला अंडुलेटा अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद खेजरी, खेजरी में अपना क्या है राज्य पेड़ है, राज्य वृक्ष है तो इसका भी नाम याद कर लें
प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अच्छी तरह याद रख लें, खेजड़ी का पिछले बार भी आया था चिपको आंदोलन के अंदर, वहां भी नाम था, यहाँ भी है, तो जो पार्ट में दो तीन बार आ जाता है आपकी बुक के अंदर वो अच्छी तरह रट लें। जैसे खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है, वही देवदार का होता है सिंड्रस देवदारा, सिंड्रस देवदारा। तो यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण कौन कौन से है, देखो इसके अंदर आप कपास का और नारियल का याद रख सकते हैं, इसके अंदर देखो सागवान, शीशम, रोहिड़ा, शीशम, रोहिड़ा और खेजड़ी, तो आपको अच्छी तरह याद करना ही करना है, इसको बार बार दोहराएंगे तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपने निर्माण संबंधी कौन कौन से पादप काम में आते हैं, जिसके अंदर रेशे किससे बनते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम रेशों वालों के और इमारती कास्ट वालों के। तो ये एक पार्ट का जो अपना पार्ट है इसका एक पार्ट पूरा हो चुका है, वैसे तो आज दूसरा इसका पार्ट था, लेसन का दूसरा पार्ट ये था, लेकिन इसका एक पार्ट यानी पादप वाला पूरा हो गया। आप जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक महत्व। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आपका कोई सलाह या कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद।